मोक्ष को बच्चों में मोह मो नहीं है तो मोह पहले अटैच फिर डिटैच फिर समता फिर प्यार तो जितना हम अटैच होते हैं धीरे धीरे हम पता है एक दिन मैंने इनको छोड़ देना जहाँ इन्होंने मुझे छोड़ देना ये तो है ये तो यूनिवर्स का लॉ है जाना ही जाना है तो फिर धीरे धीरे तुम प्यार सेवा करते हो और थोड़ा भक्ति की तरफ थोड़ा अपनी तरफ लगते हो कि वो धीरे धीरे मोह खत्म हो गया तुम सत्संग भी एक घंटा जा रहे हो वहाँ कोई सिगरेट नहीं पी रहा कुछ नहीं कर रहा किसी की बातें नहीं कर रहे तो एक घंटा तो आप निकले घर की दीवारों से निकले और एक घंटा आपने किसी की निंदा चुगली नहीं करी तो धीरे धीरे एक घंटा फिर दो घंटे फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो वो अपने आप मोक्ष हमारे सब कुछ उधर ही खत्म हो जाता है मुक्ति हमारे पीछे पीछे आती है मैं मुक्त होगी इन चीजों से मैंने किसी के राग दीर से मुक्त हो गई किसी की बातें नहीं करनी मैंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है मेरे मुंह से भी कुछ निकले मुझे भी मना कर दो किसी की बात हमने नहीं करनी ब्लेस करो ब्लेस करके उसको कौन करेगा वो ठीक हो जाएगा इंसान तुम भी बोल रहे हो दूसरे भी बोले हो वो कैसे सुधरेगा अपने बच्चे को ही नहीं दूसरों की बात कर रहे हो अपने बच्चे को तो सारे करते हैं मैं दूसरों की बात आज मेरे पास अगर कुछ है तो ये है कि पूरी दुनिया में जो मेरे से दुश्मनी भी कर रहा ना उसको भी मैं ब्लेस करूंगी उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास से मिला है अगर मुझे जन्म अपने खत्म करने हैं अदरवाइज नहीं तो मतलब मोक्ष हो गया जन्म जन्म के जो रूल्स है उससे खत्म हो जाना और परमात्मा में विलीन हो जाना वो फिर खुद ही लगाता है हम नहीं लग सकते खुद लाता भी वही है निकालता भी वही है इसमें उसका काम है सिर्फ तो जैसे अभी अपने गुरु की बात करी कि अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसको गुरु चाहिए गुरु बिना गति नहीं बोलते हैं ना इसका मीनिंग क्या है जो मैंने स्टडी करी तुम खुद किताबें पढ़ के भी बन सकते थे या नहीं अभी बुद्ध जैसी स्थिति नहीं थी कि बुद्ध महल छोड़ के निकल गए हम इंटो पत्थरों के घर को नहीं छोड़ सकते महलों को छोड़ा है बुद्ध ने कैसे पॉसिबल है इट मीनस उनके कौन कौन से जन्मों में जानवर योनि में भी कैसे रहे होंगे चौरासी लाख योनी है तो जब एक बार बोलते खरगोश उनके पाव के नीचे आ गया था हाथी की योनी में थे बुद्ध और उन पीछे आग लग गई है जंगल में लेकिन बुद्ध का पाव जो है वो खरगोश के ऊपर नहीं पड़ा हाथी जल के खत्म हो गए इतनी नम्रता जानवर योनी में भी वो बुद्ध भगवान नहीं बनेगा एक बार बुद्ध अभी वो निपरण नहीं बने हैं वो गेरुआ कपड़ा में जा रहे हैं किसी के पास दो आंखें नहीं है बुद्ध अपनी एक आंख ऐसे निकाल के उसको दे रहे हैं कर सकते हैं ये सब तो हमारी स्थिति उधर पहुंचने तक के लिए शुरुआत तो कही कौन तो ये मेरी अपनी स्टडी की गई है गुरु के ज्ञान से कि कैसे पॉसिबल हम ईंट पत्थर में गुस्से हैं मेरा 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 कर रहे और वो महलों को छोड़ मेरा महलों को को छोड़ छोड़ गए तब से मैंने ये मेरी जो मालना है रुद्राक्ष हुआ पहले सारे वो सोने चांदिया ये सब पहने हुए वो तुच्छ लगने लगे मुझे फिर ये मजा कोई चीज छीने का भी नहीं कुछ भी नहीं करेगा और इसमें मजा आ गया सारा अगर बुध छोड़ सकते तो मैंने क्या पकड़ा है